40 RMB यानी कि आपकी स्कॉलरशिप कवर कर रही है। हाँ जी, आप कह लें जी बिल्कुल, 50 RMB मैं खुद दूंगा पर डे, 40 RMB स्कॉलरशिप की वो देगी। ठीक है, मुझे 1500 में पड़ता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज मौज़म, योर फ्रेंड इन चाइना, और आज मैं हूँ बीजिंग फॉरेन स्टडीज यूनिवर्सिटी के ईस्ट कैंपस में, और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का डॉर्म। तो ईस्ट कैंपस में एक डॉर्म बना हुआ है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जिसका नेम है कोचाओलो। तो अभी हम अंदर चलने वाले हैं, लेकिन अब मैं क्योंकि बाहर रहता हूँ, मेरे पास डॉर्म का कार्ड नहीं है, तो मैं डायरेक्टली अंदर जा नहीं सकता। इस वजह से मैंने अपने दोस्त को बुलाया, तो वो हमें अंदर लेकर जाएगा, एंट्री करवाएगा हमारी, और आज फिर मैं अंदर चलकर आपको दिखाता हूँ कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डॉर्म में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल, उन्हें किस चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और क्या क्या एनवायरनमेंट है वहां पर। तो अभी चलते हैं अंदर। तो ये है BFSU का फॉरेन स्टूडेंट्स का डॉर्म, और यहाँ पर सिंगल रूम भी है, डबल रूम्स भी हैं। तो अभी हम अंदर चलते हैं। स्टूडेंट्स के लिए दो है, लेकिन बॉयज़ का जो डॉर्म है वो सेकंड थर्ड से होता है, तो हम स्टेयर से भी जा सकते हैं। तो इसके लिए काफ़ी हम वेट नहीं करेंगे, हम बस इधर से ऊपर जाएंगे। इस तरह जो है ये रिसेप्शन स्टूडेंट्स का, तो रिसेप्शन में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, इलेक्ट्रिसिटी लेनी हो या अपना वॉशिंग मशीन कार्ड रिचार्ज करवाना, तो यहाँ पर आके वैसे कार्ड रिचार्ज भी हो जाता है। अभी हम चलते हैं ऊपर। ये इनका रूम सबसे डिफरेंट है, ये देख सकते हैं आप, और ये देख रहे हैं इन्होंने क्या कारनामे अंजाम दिए गेट पर। ये स्पेशल खजाने का दरवाजा खुल चुका है, और देखिए यहाँ का जो कोचा लोग रूम है वो काफी छोटा है। एक उन्होंने डाउन पे दिया हुआ बेड, एक ऊपर है यहाँ पर बेड, और इसकी एक ही टेबल दी है एक बंदे के लिए, उसके नीचे बंकर बेड है, और उस बंदे के लिए वहाँ फ्रंट पे टेबल है। और वो किस तरह बेड थोड़ा सा एडजस्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पर लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, तो बच्चे ज़्यादातर जो है सारा बाहर जाके लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। तो रूम जो हम लियो हाउलो में गए थे, जो बिल्डिंग नंबर 6 है, उसके कंपैरिजन में ये वाला रूम जो है थोड़ा सा छोटा है। अभी हम चलते हैं किचन दिखाते हैं, यहाँ पे कॉमन किचन है। और इस डॉर्म का अगर आप स्कॉलरशिप में नहीं है, सेल्फ पे हैं, तो एक बंदे का जो बेड है वो आई थिंक 30 UN कॉस्ट करता है पर नाइट पर डे। डबल में 30 है, डबल में 30 है, यानी एक डबल बेडरूम अगर पूरा है तो 60 UN कॉस्ट करता है, इंडिविजुअली 30 UN पे करना होता है। यहाँ पे हमारा डबल रूम भी है, ये लॉन्ड्री रूम है, तो यहाँ अगर वो सुखा हो मसला नहीं है कुछ भी करो। ये है लॉन्ड्री रूम, और सारे जो हैं बच्चों ने कपड़े सुखाए हैं। यहाँ पे सब बेसिकली इन लोगों के पास कार्ड होता है, और वो जो रिसेप्शन से रिचार्ज होता है तो उस कार्ड को यहाँ पर रखना होता है, तो वो एक दफ़ा स्कैन कर लेते हैं और 5 UN लगते हैं। तो उसके फिर आप यहाँ पर सुखा सकते हैं, और बाहर बैल्कनी भी है। उसके अलावा QR कोड, लेकिन लियो हाउलो में दूसरा QR कोड वाला सिस्टम है, उससे आप स्कैन भी कर सकते हैं। जी जी, स्कैन करके तो पैसे हो जाते, वो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि कार्ड अक्सर कभी कभार मेरा तो मिस भी हो जाता है। जी जी, तो इससे ये बेनिफिट है। और इस तरह वॉशरूम में कॉमन वॉशरूम, उसमें ज़्यादा कुछ जाने दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अच्छा है, जो आंटी वगैरह वो सफाई करते रहती हैं, और 5-6 वॉशरूम और बाद लेने की जगह अलग बनी हुई। तो इस फ्लोर पर यहाँ पर सारे सिंगल बेडरूम्स हैं, और बिलाल भाई जो हैं वो यहीं पर रहते हैं। हमने आज बिलाल भाई को भी बुलाया हुआ है, तो बिलाल भाई यहीं पर है, और बिलाल भाई जो सिंगल रूम में रहते हैं यहाँ पर। तो अभी हम ये पूरा एक रूम का एरिया है, साथ वॉशरूम भी है यहाँ पे। ठीक हो गया। इस रूम का जो नॉर्मली रेंट है वो है 90 RMB पर डे पर डे, लेकिन अगर कोई CSE का स्टूडेंट है, जैसे मैं CSE का हूँ, तो वो देता है 50 RMB पर डे। तो आप अगर कैलकुलेट करें पूरे महीने का, तो 1500 RMB यानी कि 1500 RMB आपको देना पड़ता है खुद से। ठीक, बाकी अमाउंट CSE देती है। 40 RMB यानी कि आपकी स्कॉलरशिप कवर कर रही है। हाँ जी, आप कह लें जी बिल्कुल, 50 RMB मैं खुद दूंगा पर डे, 40 RMB स्कॉलरशिप की वो देगी।
ठीक है मुझे 1500 में पड़ता है। ये है कि थोड़ा पीसफुल है, रूम अच्छा है, आपके पास अपना अटैच वॉशरूम है, आप पढ़ना चाहें सोना चाहें, आपको कोई ऐसी इशू नहीं है। अच्छा यहाँ पर ना टीवी वगैरह भी आपके लिए दिया हुआ है, यहाँ पर टेबल्स भी बनी हुई है और स्टडी के लिए भी यहाँ पर टेबल है। आप वैसे यहाँ पढ़ते हैं लाइब्रेरी में पढ़ते हैं दादा? भाई मैं वैसे कोशिश करता हूँ इधर ही पढ़ूँ क्योंकि सब उन्हें टाइम भी वेस्ट नहीं होता, आप बिल्कुल यहीं पर रहकर पढ़ सकते हैं। एक मेन पर्पस भी यही है लेने का कि थोड़ा पीसफुल इतना बंदा अपना पढ़ सकता है यहाँ पे। और कभी आपके फ्रेंड्स जो है तो वो भी यहाँ पर आकर रह सकते हैं थोड़ी सी। यहाँ पर सबसे ज्यादा इशू होता है ना कि अगर आप शेयरिंग रूम में रह रहे हैं ना तो हर तरह से शोर आता है। ये भी है, कहता नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा भी शोर आता है ना तो नेबर्स आ जाता है। ठीक हो गया, क्योंकि वॉल्स अगर आप देखें ना बीच में से वो हॉलो है तो आवाज जाती है। और ये एक फायदा ये भी है आपको, यहाँ पे कोई आपको डबल रूम में जब आप रहते हैं तो कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है क्योंकि दोनों साथ रह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, लॉन्ड्री यहाँ पे है, आप कपड़े वॉश करें यहीं पे रख लें, रूम का साइज अच्छा है जी। ये भी है, आपको कपड़े भी बिल्कुल बिल्कुल इस तरह से सिंगल रूम का अगर आप करते हैं मैनेज कर सकते हैं अपने स्टाइपेंड में से तो अच्छा है, पीसफुली आप रहते हैं। ठीक हो गया। और यहाँ पर बिलाल भाई के रूम में यहाँ अटैच बाथ भी है तो उसमें अंदर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाद नॉर्मल अंदर एक शावर है और डब्ल्यूसी कमोड होता है। तो अभी हम चलते हैं बिलाल भाई किचन की तरफ, वहां आप जरा हमें दिखाएं किचन जो। अच्छा इस फ्लोर के साथ ही जो है ये एक और बिल्डिंग भी अटैच है, यहाँ पर डबल बेडरूम्स हैं, एक रूम में दो बंदे रहते हैं और ये जो है गर्ल्स का फ्लोर है लेकिन सब किचन कॉमन है और सब यूज कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो ये किचन है यहाँ पर और यहाँ पर सारी इलेक्ट्रिक चीज़ें भी, और सबसे अच्छी बात जो है यहाँ की यहाँ पर है गैस स्टोव। जो दूसरी जो बिल्डिंग्स हैं फॉरेन स्टूडेंट्स की जहाँ डॉम है वहाँ पे मैंने ये देखा है वहाँ पर है इलेक्ट्रिक स्टोव, तो इलेक्ट्रिक स्टोव में इतना अच्छा खाना नहीं बनता लेकिन यहाँ पर ये अच्छी बात है कि गैस स्टोव है और काफ़ी यहाँ की जो आंटीज़ हैं जो क्लीनिंग करती हैं वो भी इसे काफ़ी साफ़ सुथरा रखती हैं। तो बिलाल भाई आप बनाते हैं अक्सर यहाँ पर खाना वगैरह? मैं कम बनाता हूँ, ज़्यादातर फोर्थ फ्लोर पर चले जाते हैं, किचन में भी फोर्थ फ्लोर पर रहते हैं, ठीक है, और रहते हैं हमारे कुछ और दोस्त रहते हैं, मिलके बनाना हो तो वहाँ चले जाते हैं। इसका बस ये है कि क्योंकि ये शेयरिंग है लड़कियां का ये भी है वो ज्यादा कोई कुकिंग करती है, लेकिन यहाँ देखो काफी अच्छा है, इसको डेकोरेट किया हुआ है तो ये है कि अच्छा है, कुकिंग करने में इजी है आपने। और सबसे अच्छी बात जो है क्लीन रहता है यहाँ पर, क्लीन रहता है, चलें ये बहुत अच्छी है। यहाँ पर हमारी आंटीज हैं साफ करती हैं इसको, दिन में 3-4 दफा आती हैं साफ करती हैं, स्टूडेंट भी बहुत अच्छे हैं, वो अपना टीम यूज करने के बाद खुद क्लीन करते हैं इसको, ठीक है, बड़ा अच्छा एक वर्किंग ये अच्छी बात है यहाँ पर। तो ये थी आज की व्लॉग, होप यू लाइक दिस वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।